यहाँ पर निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कल से हम मीडियन मैथ का। तो मैं एक बार तीनों प्रकार के सवाल जहाँ का अपाठ के अंतर्गत और व्यापाठ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सतत श्रेणी के अंतर्गत तो बहुलक जब पूछता है तो वह वर्गांतर में आता है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, या 0 से 10, या 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, या फिर 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, इस प्रकार से वर्गांतर में आता है। तो आप समझिए कि यहाँ पर सतत श्रेणी का सवाल है और वो सवाल आपसे पूछता है 20 नंबर का। लेकिन अपाठ में कभी कभार आपको 2 नंबर का सवाल पूछता है कि निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना, व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक की गणना आदि। अब हम बात करते हैं निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना। यहां पर सबसे पहले समूहमाला के अंतर्गत तो कुल 20 छात्र हैं जिनका बहुलक निरीक्षण विधि से करना है। अब हम यहां पर 20 संख्याएं हैं, समूहमाला का मतलब होता है इस पदों की संख्या, जो समूहमाला जहां पर पदों की संख्या है कितने पद हैं। तो अब हम यहां पर लिखते हैं पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57,
20 है। जैसा कि ये जो हमारी संख्या दिख रही है टोटल 20 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनके अंतर्गत हमें व्यक्तिगत श्रेणी निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम, संख्याओं को रखने का दो क्रम होता है, आरोही क्रम बढ़ते हुए, अवरोही क्रम घटते हुए। जैसा कि आरोही बढ़ता क्रम, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है बढ़ता क्रम जिसको हम कहते हैं आरोही क्रम। दूसरा है अवरोही क्रम, घटता क्रम। जैसा कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये रहा। ये दोनों को विशेष ध्यान रखें कि आरोही क्रम बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम घटता क्रम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ता क्रम है आरोही, अवरोही क्रम घटता क्रम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार। तो यहां पर जो संख्या दी हुई है यह असंगत है, इनका कोई क्रम नहीं है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को व्यवस्थित करना चाहिए बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हमारे 1 संख्याओं का क्रम, क्रम 1, 1, 1, 1, 1 और 1 और 1 मतलब इस समंत माला के अंतर्गत हमें कुल संख्या देखनी है, एक संख्या कितनी बार आती है, 1, 2, 3, 4, 5 एक जो संख्या है वो कुल 5 बार आती है। संख्या हम क्यों लेते हैं,
ये दो संख्या कितनी बार आ, समंक माला के अंतर्गत दो संख्या कितनी बार आती है? एक, दो, तीन, चार। दो हमारी समंक माला के अंतर्गत चार बार आता है। दो 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 दो, एक, दो, तीन और चार। अर्थात इस समंक माला में जो दो संख्या है वो चार बार आती है। हम बात करते हैं तीन की। एक, दो, तीन, तीन संख्या तीन बार है। संख्या चार, एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। संख्या चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। और संख्या पांच देखनी है हमें, संख्या पांच, एक, दो, तीन। और संख्या तीन है पांच बार, वो पांच है तीन बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अर्थात यहां पर पुनः एक बार हम देखते हैं कि इस समंक माला के अंतर्गत तो हमारा जो सवाल है बीए पाठ्यक्रम के अंतर्गत का बहुलक, जिसमें है निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना। इस निरीक्षण विधि के अंतर्गत तो कुल हमारी 20 संख्याएं हैं, अर्थात 20 छात्र हैं। उन छात्रों का कोई क्रम नहीं है, जैसा कि दो चार तीन चार, दो तीन चार, एक चार चार, एक दो तीन, दो चार पांच, एक पांच पांच, एक। इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले हमें संख्याओं को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, क्रम में रख लेना चाहिए संख्याओं को। तो सबसे पहले हमारी जो छोटी संख्या है वो एक है, अर्थात इस समंक माला के अंतर्गत ये देखना है कि एक कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी संख्याओं में एक है। तो एक जो संख्या है वो एक, दो, तीन और चार, अर्थात एक संख्या चार बार आती है। एक, दो, तीन, चार, ये होगी चार। संख्या दो बार कितनी बार आती है? एक, दो, तीन, चार, अर्थात दो ही चार बार है। संख्या तीन कितनी बार है? चार बार, तीन बार। और संख्या चार है वो है एक, दो, तीन, चार, पांच, छह बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। चार है छह बार और संख्या पांच है हमारी तीन बार। इस प्रकार से अब हमें इस क्रम बढ़ते क्रम में संख्या में यह देखना है कि सबसे अधिक की संख्या कौन सी है। तो यहां पर जो चार है वो छह बार रिपीट हुआ है, तो यहां पर बहुलक है चार, जो छह बार है। यह रहा हमारा निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना। दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना, बहुलक की गणना कुल संख्या 20 है, जैसा कि 10, 11, 12, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 8, 9, 10, 8, 10,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह नौ दस तेरह चौदह एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये संख्या है हमारे बीस। तो सबसे पहले निरीक्षण विधि से तो संख्याओं का क्रम निर्धारित कर दिया था। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में ये तो रहा हमारा x और ये रहा हमारा f। इसमें ये है हमारा इस समस्त समूह माला के अंतर्गत हमें एक सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो सबसे छोटी संख्या है वो है 8 और इसके बाद में है 9 10 11 12 13 14 और 15 हो गई। हमको यहां पर संख्या 8 देखनी है जो कितनी बार आई है। संख्या 8 1 और 2 दो बार। संख्या 9 कितनी है समक माला के अंतर्गत 1 और 2 और 3 9 आया है 3 बार। संख्या 10 1 2 3 4 5 बार। संख्या 11 1 2 संख्या 11 1 और 2 दो बार। संख्या 12 1 2 दो बार। संख्या 13 एक मिनट इधर थोड़ा सा 9 एक्स और एन आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये 15 हो रहे हैं क्या? अभी 15 हो रहे हैं। एक्स और एफ 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या 8 है हमारी यहां पर 1 और 2 बार। संख्या 9 1 2 3 बार। संख्या 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 संख्या 11 1 2 दो बार। संख्या 12 संख्या 12 1 2 दो बार। संख्या 13 1 दो बार। संख्या 14 एक बार। संख्या 15 एक बार। और 5 और 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। 5 और 6 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 एक कारेंगे। संख्या 2 कितनी बार आता है 8 तीन बार। संख्या 8 तीन बार। 3 और 3 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल। अर्थात इस खंडित श्रेणी इस व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत तो हमने यहां पर 20 संख्याओं का अनुमान लगाया। इसमें से हमें f देखना और f देखना है। x का मतलब होता है संख्याएं और f का मतलब होता है संख्याओं का आवृत्ति। जब
इस समंत माला के अंतर्गत संख्या आठ है वो तीन बार आती है, संख्या आठ है वो तीन बार आती है, संख्या नौ है वो भी तीन बार है, संख्या नौ है वो भी तीन बार है, संख्या दस है वो छह बार है, एक दो तीन चार पांच और छह, संख्या छह तीन बार, दस छह बार, संख्या ग्यारह एक दो दो बार, संख्या बारह एक दो दो बार, संख्या तेरह एक और दो, संख्या चौदह एक बार और संख्या पंद्रह एक बार। तो इस समंक माला के अंतर्गत हमको ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आती है। तो यहाँ पर अगर हम व्यवस्थित क्रम में देखें या जैसे भी देखें तो 10 वाली जो संख्या है वो 6 बार है, संख्या 10 जो 6 बार है बार आती है वही बहुलक है।